साथियों डबल इंजन सरकार ने सबको मुफ्त टीका तो लगवाया ही महामारी के इस समय में हमने कदम कदम पर गरीब परिवारों का साथ दिया है उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को कई महीनों तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया हजारों करोड़ रुपए महिलाओं के जनधन खाते में जमा किए छोटे किसानों और मजदूरों के बैंक खातों में भी सीधे हजारों करोड़ रुपए जमा किए, इतना ही नहीं महामारी में हमारा कोई परिवार गरीब से गरीब परिवार वह भी भूखा न सो जाए इसके लिए दो साल से भाजपा सरकार यूपी के पंद्रह करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है मैं आपके आशीर्वाद के लिए आपका बहुत आभारी हूं भाइयों आप कल्पना कर सकते हैं दुनिया में जिस किसी से मेरी बात होती है अगर मीटिंग में मिलना हो जाए या वर्चुअल मीटिंग में मिले या टेलीफोन पर बात करें दुनिया के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े लोग समृद्ध देशों के लोग जब उनको पता चलता है कि 80 करोड़ लोगों को दो साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं मुझे पूछते हैं मोदी जी आपके देश में इतना बड़ा काम हुआ है भाइयों बहनों ये हम सबके लिए संतोष का विषय है कि नहीं है गरीब के घर में चूल्हा जले आपको भी संतोष होता है कि नहीं होता है गरीब का पेट भरे तो आपको भी आनंद होता है कि नहीं होता है इन गौर परिवारवादियों को आनंद नहीं होता है मैं उन्नाव के लोगों से जानना चाहता हूं आप मुझे बताइए ये राशन माफिया होते पहले वाली सरकार वाले तो एक गरीब के घर गर तक राशन पहुंचता क्या गरीब के घर गर में चूल्हा जलता क्या गरीब रात को खाना खा के सो सकता था क्या भाई और बहनों इसलिए यूपी के लोग जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है अपने अगल बगल में देखा है और इसलिए यूपी के लोग पूरी ताकत से कह रहे हैं जो मुफ्त राशन लेकर आए हैं हम उनको फिर से लाएंगे